आजकल तो हमको याद ही ना ही करती हो। हाँ तुम्हारी बहन है, कभी कभार हाल चाल ना ही पूछना चाहिए। का बात कर रही हो, तुम्हारे पति तुमको 9 लाख का हार दिलाए हैं? सच्ची? आ जरा फोटो भेजो ना, हम भी देखते हैं। ठीक बा भाई भाई, अभी अभी भेजो। हाँ हाय दिया, इना लखा ऐसा होता है? एक तो भूरी का पति है जो को 9 लाख का हार दिला रहा है, और यहाँ हमरी लड्डू के भैया 9 रुपए का भी ना ही दिलाते। हमरा भी कितना दिल करता है 9 लखा पहन। भाभी लगता है 9 लखा हार की जो आपकी ख्वाहिश है हम ही पूरी करेंगे। भाभी जी आपको 9 लखे हार की बड़ी ख्वाहिश, बहुत अच्छा लगता है आपको, यू लाइक इट? हाँ सच्ची बहुत ही दिल करता है। अभी हमको भूरी फोटो भेजी रही ना, असल में तो देखे ना आई है हम। क्या बात करें भाभी जी, आपने 9 लखा हार नहीं देखा कभी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके पास तो 8-10 पड़े हुए हैं। अभी 8-10 तो नहीं, लेकिन मेरी मम्मी के पास है एक हार, 9 लखा हार, शी इज गॉट वन। ओ हेलोइन आंटी के पास 9 लखा है? हेलोइन तो चाचा जी हैं हमारे। भाभी जी आप उनका नाम हेलेन आंटी कहिए ना। सही पकड़े हैं, उनके पास सच्ची है। यस शी इज गॉट वन। या तो भैया वो जो हार है ना, पड़ो पड़ो सड़ जाओगे, ऐसा करो वहां को बेच के रहना, हमारे लिए वो उधार चुका दो आप। ओ शट अप, हिम्मत कैसी है भाभी जी सामने ऐसी बात करने की है? या ऐसी बात ना कर रहो है, सच कह रहे हो, जा बात में का झूठ है को। ओ विभूति सेठ, जुआ खेलने के लिए हम तीनों से 5,000 रुपए लिए थे तुमने, इस बात को गुजरे हुए भी 7 महीने हो गए, क्यों टीका मलखान? ए भैया नौवा महीना चल रहा है, किस दुनिया में आ गए भैया? अरे तुम्हारा तो 9वां महीना ही चल रहा है, मेरा 30वां साल चल रहा है। 300 रुपया लिए थे, अभी तक नहीं दिए। और विभूति भैया आपने मुझसे जो 2 वैक्सीन लगवाई थी उसके 1400 रुपए, वो भी मैं अपनी जेब से दूं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी नल्ले कोटे से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और मैं अपनी जेब से देने वाला हूं नहीं। डॉक्टर साहब घबराओ मत, आपको अपनी जेब से देने की जरूरत ना पड़ेगी। क्यों बे लौंडे, तू दे रहा है क्या? मैं क्यों दूंगा, जे मेरे फूफा के लौंडे लग रहे हैं जो मैं दूंगा। तो वकील क्यों बन रहा है? अरे मास्टर साहब इसकी शकल है क्या वकील बनने वाली? इसके कहने का मतलब ये हैगा कि हेलेन आंटी के पास 9 लखा हार है जिसकी कीमत 9 लाख रुपए। 9 लाख भैया जा, 9 लाख में ना तुम्हारे सारे कर्जे चुक जाएंगे। भैया मेरी बात मानो ना, जे 9 लखा बेच दो आप। उस 9 लखा के हार पे अगर किसी ने बुरी नजर डाली ना, तो मैं उसकी आंखों में सैनिटाइजर उडेल दूंगी। तो भाभी जी हम अपना पैसा किससे वसूले? अरे जिनसे लिए हैं उनसे वसूल करें। लेकिन अनीता जी, भगवती जी तो नल्ले हैं, इनके पास तो 1 रुपया भी ना आई है। बिल्कुल सही कहा आपने अंगूरी जी कि वो नल्ले हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो खुद है, और उनके नल्लेपन का बोझ मैं कब तक उठाती रहूंगी, मैं भी थक गई हूँ। तो प्लीज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कोई भी विभू को 1 फूटी कौड़ी ना दे, और अगर देना चाहते हैं तो अपने दम पर दे, अपने जिम्मेदारी पर दे, मेरे पास आके बाद में कंप्लेन ना करें। विभू अगर कोई और कसर बाकी ना रही हो तो नाश्ता बनाना चाहोगे आफ्टर गो आउट ऑफ टाउन? अरे भैया हमारे 300 रुपये देते जाइए, और मेरे वैक्सीनेशन के 1400 रुपए, अरे वो तो दे दो भैया। और विभूति सेठ हमारे 5,000 रुपए की बत्ती बना के कह रहा कि वो कब दोगे? भाइयों जेना बेईमान आदमी है, एक नंबर के, जेना देंगे किसी के पैसे देख लीजो। ऐसे कैसे ना देंगे, हलक में से हाथ डाल के निकाल लेंगे। हेलो भैया जल्दी से 1/2 किलो जो है एक करेला तोल दो। हाँ कौटका है TMT? इका है इतना सारा सब्जी, मिक्स वेज बना रहे का आज? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? 500,000, 1500, 2000। क्या छुपा रहे हैं तिवारी जी? नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास छुपाने के लिए है क्या? इस बात में कोई शक नहीं तिवारी जी कि आप ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बड़े पारदर्शी किस्म के आदमी, इसके लिए रिमार्केबल। क्या बात, आज आप हमारी बड़ी चमचागिरी कर रहे हैं। आपकी ना मुझे ये बात बुरी लगती है तिवारी जी कि हर बात का गलत मतलब निकालते हैं आप। गलत मतलब नहीं निकाल रहे हैं, ये क्या है कि ये हमारा तजर्बा है ये, और वैसे भी आपका इतिहास बताता है कि जब भी आपने
हमारी तारीफ की है, उसके बाद आपने हमसे कुछ ना कुछ मांगा है। तिवारी जी, जी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना तो सही सोच रहे हैं। मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत, उन्होंने मेरे सारे खाते ब्लॉक कर दिए। देखिए आपकी ईगो, आपकी शिकायत अपनी जगह है, उसको साइड में रखिए, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए मुझे मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे मदद कर दीजिए मेरी। प्लीज प्लीज, ऐसे हाथ मत जोड़िए, ऐसे याचक की तरह क्यों कर रहे हैं आप? देखिए हमें वाकई आपकी चिंता है। बताइए कितने पैसे चाहिए आप? 10,000। अब इतनी भी चिंता नहीं है यार, उंगली पकड़ने को दी, आप तो गर्दन पकड़ रहे हैं। तो क्या पकड़ लूं? नहीं कुछ नहीं, 500 रुपए मांगे हैं ना। एक लीजिए पास ना यार। अरे भाभी जी का फोन है। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? हेलो तिवारी जी, हाउ आर यू? बस भाभी जी जी रहे हैं आपके। तिवारी जी, इन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहली फुर्सत में आप मुझे ये बताइए, क्या विभू आपके पास आया है आपके घर? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। ओके, क्या उसने आपसे पैसे मांगे? हाँ। और क्या आपने वो पैसे दिए? हाँ ना। तिवारी जी कुछ एक जवाब दीजिए ना, आइदर हाँ या ना। जी भाभी जी, वो भभूति जी ने हमसे 500 रुपए मांगे हैं, तो हमने अपनी जेब से निकाल के 500 रुपए हाथ में रखे हैं जी। हालांकि उसका सिरा भभूति जी ने पकड़ रखा है, लेकिन हमने भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है जी। तो उस पकड़ को और मजबूत कीजिए, उस नोट को छीन लीजिए और अपने जेब में डाल दीजिए। विभू को एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है तिवारी जी। जो आज्ञा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हसे जग रो। वाह भाभी जी वाह, आपने इस एक लाइन में मेरे मन की व्यथा, वेदना, प्रताड़ना सब एक साथ बयान कर दी भाभी जी। लेकिन हम तो ऐसा कछु भी ना ही बोले। अभी आप वो गा रही थी ना सूफी गान, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हसे हम रोए। भजन है ना, भजन गा रहे थे भाभी जी। इस भजन में मेरे मन का दर्द, दुख और वेदना सब छुपी हुई है। ये भजन में इतना सब कुछ छुपा था, हमको तो पता ही ना आया था सच्ची। भाभी जी वो सब छोड़िए, मुझे देखिए और बताइए कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। चल यस गास। भाभी जी माफ कीजिएगा, आपका गास गलत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। भाभी जी मुझे पैसे दे दीजिए, भगवान आपको दूध नहलाएगा। आप ही आशीर्वाद आधा काहे दे रहे हैं, वो तो फलेगा भी होता है। नहीं मैं पूरा नहीं दे सकता। काहे? क्या है भाभी जी, मेरा पेट भूखा है ना, तो क्या कि दुआ भी आधी निकलती है फिर। हाय दिया, आप भूखे हैं का? भाभी जी मैं तो कब से भूखा। आपको घर में खाना ना ही मिलता है? अगर मिलता तो मैं यहाँ क्यों आता आपके पास, बताइए मुझे क्यों आता आपके पास? आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं बाहर कुछ खा पी लूंगा। हाँ तो यहीं कुछ खा पी लीजिए ना। अभी जी खा तो लूंगा, लेकिन पीने का इंतजाम है क्या? हाँ पानी है ना। मैं बहुत गमजदा हूँ, बहुत तकलीफ में, मुझे कड़वे पानी की सख्त जरूरत है। दिया हाँ तो एक ठो काम करते हैं, वो मैं चिरायता मिला कर देते। नहीं, नहीं, मैं उस कड़वे पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा कड़वा पानी का बात कर रहे हैं? जिस पानी में वो सोडा आइस टाइप। आप क्या बोलो? खजाने दीजिए, मैं खा ही लेता हूँ। खा रहे ना भाई, तो बोल रहे थे खा लीजिए, फिर भूखे ना ही रहना चाहिए। ई लीजिए, यहाँ सब्जी रखे हैं हम, ई लीजिए खाइए। हाँ कछु और भी बना देंगे, खा लीजिए। मैं मुफ्त में कितना ढूंसेगा बे। अभी जी बदतमीज आ गया, मैं कहीं कोने बाटे खा लेता हूँ। हाँ ठीक बात। देख बे साले,
तूने मेरे पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने तेरी पप्पू प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी, और जब तक तू मेरे 5 लाख रुपया नहीं देगा ना तो तेरा ये प्रिंटिंग प्रेस मेरे पास गिर भी रहेगा। यार ये मेरा सौम्य चेहरा है, तेरे बाथरूम का मिरर नहीं है? इस अपनी शक्ल देख के तू चौंक जाता है, चीखने लगता है। अबे हो, ये क्या बकवास कर रहा है विभूति? अच्छा ये बता तू मुझे देख के चीखा क्यों? अबे तुझे देख के मैं ही क्या, पूरा मोहल्ला चीख रहा है। हाँ न जाने कब तू उनसे पैसे उधार मांग ले और फिर तेरी डेंजर बीवी से कौन लड़ता रहेगा। सही कहा तूने यार, जब अपना दामन ही खोटा हो तो फिर परखने वाले का क्या कसूर है इसमें। अब ये बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो दोस्तों की मदद करते करते थक गया हूँ। यार मैंने कब मना किया यार, तेरे मुझ पे बहुत एहसान है, बहुत एहसान है तुझे। थैंक्स यार, थैंक्स यार। क्यों नहीं साले, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ लोगों पर एहसान करने के लिए। एक साला मेरा दोस्त है जिसको मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे, पूरे 2 साल हो गए, ब्याज के साथ अब मेरे 5 लाख रुपए निकलते हैं, लेकिन साला वो कमबख्त है जो 5 रुपया भी नहीं लौटा रहा है और उल्टा कहीं साला भाग गया और मैंने भी उसकी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया। भाग क्यों गया? मुझे बाद में पता चला कि वो साला ऐसी वैसी मैगजीन छापता था। कैसी? अबे वैसी। ओ, वैसी। हाँ, वैसी। अच्छा ये बता कि तू अब इसका करेगा क्या, प्रिंटिंग प्रेस का? तेल तो बेकार है, अच्छा डालेगा इसका? ठीक है, तेरे काम आती है तो तू ले ले, मगर सुन विभूति, अगर तूने ऐसी वैसी मैगजीन छापी ना तो साले खुद तो फंसेगा ही, साथ में मुझे भी फंसाएगा। लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी सैंडल लेके भाग गया, क्या जमाना आ गया है। रूसा रूसा का होगा, कौन ने छेड़ दोगा? हाँ सारे की जाई मत, सारे को उठा कर पटक दूंगा, कौन था वो बताओ मुझे, बताओ। अरे एक पागल सा लड़का था, मुझे छेड़ रहा था, फिर क्या था? फिर का भाव? मेरी सैंडल निकाली। अरे मोरी मैया, और मैंने ना ऐसे हील वाले साइड से ना उसको मारा, मुझे लगा वो डर के भागेगा। हाँ? अरे मेरी सैंडल लेके भाग गया, फिर मैंने उसे कहा अरे मेरी सैंडल तो देता जा। हाँ? फिर मुझे बोलता है हाँ? इस सैंडल की तो मैं पूजा करूंगा। फिर मैंने भी आइडिया दे दिया, एक काम करो मंदिर भी बनवा लेना। रूसा कहा होगा सैंडल तो लेके गो ना खाली। अरे इससे पहले मेरी 3 जोड़ी सैंडल चोरी हो चुकी है ऐसी। मैं पता हुआ उन सैंडलन में से ना 2 जोड़ी सैंडल तो टीका टिल्लू ने चुराई थी, और तीसरी जोड़ी मैंने चुराई आई थी। सुनना मस्की, सुनना यार। क्या है, अभी दंडे का टाइम है, बाद में आने का जी, गोल्डन टाइम है ये। सर धंधा खराब नहीं कर रहा हूँ, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ बे। अयो कैसा फायदा जी? तू ये अखबार रोज घरों में डालता है ना, तो तुम क्या मेरे से घरों में बॉम्ब डलवाना चाहते है क्या? बे, ये बॉम्ब तो नहीं है लेकिन बॉम्ब से कम भी नहीं है। अयो ऐसा क्या है इसके अंदर? जब ये बॉम्ब फटेगा तब मालूम चलेगा, तुझे ये मैगजीन हर अखबार के साथ हर घर में पहुँचानी है। लेकिन मेरा इसमें क्या फायदा होएगा जी? मुझे पता था बेटा तू मुद्दे पे आएगा। देख क्या है कि पहले हफ्ते हम ये मैगजीन हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे का डालेंगे, समझा? उसके बाद जब लोगों को मेरी चटपटी खबरें पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो हम उससे फिर माल ढीला करवाएंगे। यानी कि हर मैगजीन पे हम 10 रुपए चार्ज करेंगे, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड, ये। अय्या लेकिन मेरा कितना होएगा जी? मुझे पता था तो फिर मुद्दे पे आएगा बेटा। तू कितने घर में अखबार डालता है? 200 घरों में जी। उस हिसाब से तू 200 मैगजीन डालेगा, ठीक है? और मैं तुझे पर मैगजीन 1 रुपए दूंगा, तो बेटे तेरा 200 का जुगाड़ हो जाएगा रोज का। अयो सौदा मेरा नहीं है जी। लेकिन एक बात, ये बात किसी को मालूम चलनी नहीं चाहिए ना, वरना मैं तेरे मेदू वड़े फोड़ दूंगा। अयो अबे ये मेदू वड़े बे, समझा?
आइयो जे तेरी झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी शिवली चिट्टियां कलाइया वे मेरी चिट्टियां कलाइया वे मन जावे मैनु शॉपिंग करा दे भाभी जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये रहा आपका आज का अखबार थैंकू थैंकू अब भाभी जी रोको आ लड्डू के भैया आ जल्दी आइए लड्डू के भैया भाभी जी आपका पिछले महीने का 300 रुपया बैलेंस न्यूज पेपर वाले भैया अयो कुछ भी बोलती हूँ न्यूज पेपर न्यूज पेपर होता है सही पकड़ा क्या भाई क्या हुआ पिछले महीने का 300 बैलेंस देना मांगते जे ये ले थैंक यू भैया हेलो भाभी जी गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग भरभूति जी कैसे बस भाभी जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ ये आपके यहाँ भी ये भांडाफोड़ टाइम्स अखबार आता है क्या हाँ हमारे भी आता है अखबार भांडाफोड़ क्यों तो ये समझ नहीं आया कि ये किस क्या है हाँ इसके साथ ये मैगजीन आती है चालू चिकनी चाची अच्छा ये किसकी चाची है अभी पता नहीं किसकी चाची है लेकिन इसमें लिखा हुआ है चालू चिकनी चाची की खबरें लेकिन इसका भी कोई चार्ज वार्ज लगेगा क्या फिलहाल तो नहीं अभी कोई चार्ज वार्ज तो नहीं है फिलहाल तो इसमें कोई चलो फिर ठीक है पर भाभी जी तिवारी जी इसकी खबरें इतनी चटपटी होती हैं आप लोगों को बड़ा मजा आएगा यू विल रियली एंजॉय इट आप इसके मालिक की गाड़ी धोते हैं क्या मैं ये मैगजीन पढ़ता हूँ नहीं आप इसकी बहुत तारीफ फैल रहे थे ना इसलिए हमने कह दिया भैया एक बार पढ़ते लीजिए कहाँ लिखती हैं वो देखिए ये खबर सुनिए दिन में फूल सिंह टेलर करे सिलाई और रात में बीवी करे पिटाई क्या बात है उनका फोटो भी है भाई है हाँ अरे इसमें तो फोटो भी छपा है अरे इसमें अपने मलखान की खबर भी छपी है भाई पढ़िए पढ़िए बताइए देखिए क्या लिखा है कमिश्नर की साली ने चप्पलों से पीटा मलखान को वो जो रूसी नाम है उनका चलता भाभी साले बड़े कहते हैं कि कमिश्नर की साली जो हमें गर्लफ्रेंड है हमें गर्लफ्रेंड है भुख तो सालो क्या पिला भैया सबको मैं क्या कह रहा था भैया हाँ। आज चालू चिकनी चाची क्या ताजा खबर लेकर आई सुनाऊं क्या सुना यार सुना ला ला इश्क के दूध में मलाई की जगह पड़ गई खटाई एक आशिक की एक माशूका ने की सरेआम पिटाई बात है यार प्रिय पाठकों चालू चिकनी चाची लेकर आई है आज एक खबर होश उड़ जाएंगे आपके और आ जाएंगे गुर्दे बाहर यार चिल्लू बहुत जोर की पढ़ रहा हूँ यार क्या बात है गुर्दे बाहर आ गया अबे लौंडे हेडलाइन पे एड कर रहेगा या आगे पढ़ेगा भी पढ़ रहे हो ना तांत्रिक हाँ एक दिल फेक आशिक था मलखान रूसा नाम की लड़की पर छिड़कता था वो अपनी जान एक दिन उसने अपने दिल की बात रूसा को बताई रूसा ने बड़े प्यार से अपनी सैंडल उठाई और उसकी कर दी जमकर पिटाई हंसना बंद करो यार तुम मजाक सूझ रही हंसना बंद करो यार तुम मजाक सूझ रही ये झूठी खबर आ गई जहां में कोई सच्चाई नहीं आ गई दरअसल यार रूसा की सैंडल ना एक एक छोरा छीन के भागो हो तो अबे हो मलकान इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रूसा तुझे सैंडल से पीट रही है प्रेम भैया तुम कंफर्मेशन क्यों दे रहे हैं आपसे किसने पूछी जो बीच में टांग अड़ा रहा अपनी अबे साले तू पहली बार थोड़ी ना पीटा है मैंने तुम तीनों लौंडों को अक्सर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कियों से मार खाते हुए देखा है अबे ओ ऊंट के मुंह वाले शकल ढंग की ना बात तो ढंग की कर लिया कर तू हैं इसके साथ हम दोनों को क्यों लपेट रहे भैया तू अबे ओ पी लो तुम साले हो भी तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं अंकल सुनो मेरी बात एक बात हम होंगे एक थाली के चट्टे पट्टे लेकिन अभी जिसकी बात चल रही है ना उसी की बात करो अरे ठीक है और बेइज्जती करवा ले मेरी यहाँ पे बंदरों सारो तुम्हारे अंदर ना तो संस्कार नाम का कोई चीज है और ना ही इज्जत नाम का कोई चीज है
फिर तो बेइज्जती होने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों डॉक्टर साहब? एकदम सही कह रहे हैं माज साहब, अरे लौंडे पहले से बहुत जलील हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सिर्फ मॉडर्न कॉलोनी में बदनाम थे, अब पूरे कानपुर शहर में बदनाम हो जाएंगे। ओ भैया एक बात ना अच्छे से सुन लो, आज मो की बारी आई है, कल तुम सबकी बारी आएगी। चालू चिकनी चाची कान खोल कर सुन ले, अगर मो की आवाज आ रही जहाँ मोहल्ला में ना मैं ही अकेला जलील नहीं हूँ, जहाँ मोहल्ला में ना मोते भी बड़े बड़े जलील है गे। चाय पिला बढ़िया सी। क्यों बे विभूति, कैसी चल रही है तेरी मैगजीन? अरे शुरुआत है यार, तू तो जानता है। तभी तो पूछ रहा हूँ विभूति, तेरी मैगजीन का आजकल मार्केट में बहुत रिस्पांस है। क्या बात कर रहा है? हिंदी में बात कर रहा हूँ। बता कि लोग मेरी मैगजीन एंजॉय कर रहे हैं? अबे एंजॉय कर रहे, बेसब्री से तेरी मैगजीन का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये चालू चिकनी चाची है कौन। हाँ, एक बार ये चाची सामने आ जाए तो उसकी खैर नहीं।